कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। कुछ इसी का बेस्ट एग्जांपल और इंदौर का वन ऑफ टैलेंट आज हमारे बीच उपस्थित है। आपने कभी सोचा भी होगा कि 11 साल में किसी ने एक नॉवल लिखा है? जी हाँ, इंदौर का एक ऐसा लिटिल चैंप आज हमारे बीच मौजूद है जिसने 11 साल में एक नॉवल लिखी है। उनका नाम है ध्रुव धाकड़, जो रहते हैं फिक्शन और फैंटेसीज के वर्ल्ड में। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी नॉवल जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स की जर्नी। हेलो ध्रुव, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ध्रुव, सबसे पहले आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और किस स्कूल में हैं? मैं दशिशकुंज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और 6th क्लास में हूँ करंटली। ओके, सो ध्रुव, आपकी जो नॉवल है जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स, कैसे आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ, जहाँ बच्चे इस एज में इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, मूवीज, कार्टून्स, इन सब में बिजी होते हैं, बट आपने एक नॉवल लिख दी, तो कैसे आपके माइंड में आया? मुझे रीडिंग मेरी एक हॉबी थी फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मेरा एक फ्रेंड था, उससे मेरी एक चैट हो रहा था व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे। तो उसने बोला कि आई एम राइटिंग अ स्टोरी। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि स्टोरी तो मैं भी ठीक लिख लेता हूँ, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे करके एक स्टोरी लिखी। जब वो अच्छी गई, मेरे पेरेंट्स ने जब पढ़ी, तब जब उनका उसका रिव्यू अच्छा गया, तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं मेरा सबसे पहले डिसाइड हुआ था 5 स्टोरी से, फिर तो लगा कि बहुत कम है, और उस तक जाके 15 स्टोरीज हो गए ओवरऑल। ओके, सो आपने अ जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स के पहले भी स्टोरीज लिखी हैं, ये वाले नॉवेल के पहले? बहुत सारी लिखी है, पर वो एक दो पेज की ही लिखी है, मतलब वो मैंने लिखता था कभी कभी। ओके, ये नॉवेल लिखने में किन लोगों ने आपका सपोर्ट किया? मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दादा ने, और मेरे पापा ने तो मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि अगर आपको लिखना है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि टीवी में मुझे भी पसंद है ओवरऑल। तो ओके, सो ये लॉकडाउन के दौरान आपने ये वाली पूरा नॉवल लॉकडाउन के दौरान? हाँ। अच्छा ध्रुव, कितना टाइम लगा आपको ये नॉवल लिखने में? कुछ 5-6 महीने लगे थे ओवरऑल, 15 स्टोरी लिखने के लिए शॉर्ट स्टोरी। और दादाजी ने आपको किस तरह सपोर्ट किया ये नॉवल लिखने में? मेरे दादाजी ने मुझे कभी भी कुछ डीमोटिवेट नहीं किया कि आप नहीं कर सकते, पर उन्होंने मुझे मोटिवेट ज्यादा किया। ओके, सो ध्रुव, जैसे कि आपके नॉवल, आपने जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स, नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आपके ड्रीम्स, आपके सपनों के बारे में है। हाँ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि क्या इसमें जनरली आपने क्या फोकस किया, क्या नॉवल में डिस्क्राइब किया? ये जो है वो 15 शॉर्ट फिक्शन स्टोरीज के बारे में है ये नॉवल। ओके, तो आप, तो उसमें मैंने 15 छोटी छोटी स्टोरीज लिखी है ऑन फोकसिंग ऑन डिफरेंट फिक्शन की फिक्शन टाइटल्स। ओके, सो अगर हम लोगों को वो नॉवल चाहिए, आप हमारे ऑडियंस उसको पढ़ना चाहती है, तो कैसे मिलेगा वो नॉवल आपको? वो कोबो पे मिल जाएगी, या ईबुक पे, तो आपको गुडरीड्स, कोबो, किंडल पे अभी अवेलेबल है। ओके, फिर अगर आपको हार्ड कवर चाहिए तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ओके, सो ये वाला तो आपका जो टाइमिंग है, आपको जो इस टाइमिंग लगा, क्या इस टाइम पे आपने कार्टून्स देखना, खेलना, ये सब आपने ड्रॉप कर दिया था, ये सब भी कंटिन्यू रखा था ड्यूरिंग राइटिंग? ये सब भी कंटिन्यू रखा था। जब मुझे लगा कि अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब मैं कट जाता था वो लिखने कंटिन्यू करने। ठीक है, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज मेरे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलना है, बातचीत करना है, और फिर राइटिंग तो है ही, और रीडिंग मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है, मुझे उसमें बहुत मजा आता है। तो मैं जेफ किनी की बुक्स प्रेफर करता हूँ, और उसके अलावा मेरे पास जेरोनिमो स्टिल्टन की भी बुक्स है। ओके, तो वो मेरे दो मेन वो रीडर ऑथर्स है जिनको मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली। ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट यू वांट टू बी, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या नॉवेल की जर्नी कंटिन्यू रहेगी, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, स्टार्टिंग से आपके माइंड में क्या रहता है? स्टार्टिंग से तो मेरा एक राइटर बनने का वो था ड्रीम, और मैं कंटिन्यू रखूंगा नॉवेल। ओके, सो हु इज योर रोल मॉडल, जिनसे इंस्पायर होके आपने ये नॉवेल लिखा इतना बड़ा? ये मेरा रोल मॉडल, सो यू कैन से जेफ किनी।
क्योंकि मैं उसकी बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। कौन सी ऐसी बुक है जेफ किनी की जो आपकी सबसे फेवरेट है? उसकी एक सीरीज है, बहुत सारे लोगों को उनको उसका नाम पता होगा, डायरी ऑफ द विम्पी किड। वो एक कॉमेडी बुक है। मैं तो करंटली कॉमेडी इतनी अच्छी कर नहीं पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, तो मैंने फिक्शन प्रेफर किया है ये। बट यस, मुझे उसकी बुक्स पसंद है और आई प्रेफर हिम एज एन आइडल। ओके, एज ध्रुव शुरुआत में बच्चों का ऐसा था, दे हैव टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस। सो कभी आपके माइंड में ये आया कि आपको इन फील्ड्स में जाना है? वो मेरे को तो, मेरा मैथ्स बहुत खराब है बेसिकली, तो मुझे शुरू में ही समझ में आ गया था इन सब ने थोड़ा मैथ्स तो लगेगा ही, मतलब इंजीनियरिंग में आप बहुत मैथ्स लगता है, बहुत अच्छा होना पड़ता है आपको उस पे, तब आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़ सकते हो। ओके, और डॉक्टरी की बात है तो फिर साइंस मुझे थोड़ी पहले पसंद था क्योंकि वो तब उतना टफ नहीं था, सिक्स्थ में आते आते वो थोड़ा टफ होता गया, तो अब तब मुझे समझ में आ गया कि साइंस मुझसे नहीं होगा। ओके, तो अभी मुझे लगा कि अभी ये ही सबसे परफेक्ट जॉब है क्योंकि इसमें ही मुझे थोड़ी हॉबी है, लिटरेचर में मुझे पसंद है। ओके, सो आपको मतलब लिखना पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद। हाँ। है ध्रुव, क्या इंदौर से आपको फिर बाहर जाना अपनी स्टडी इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्या आपके ड्रीम से आपकी स्टडी को लेकर भी? मेरी स्टडी को मैं तो चाहता हूँ कि मैं इंदौर में कंटिन्यू करूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ, बट कॉलेज और वो सब मैं बाहर करना चाहता हूँ इंदौर से। कुछ अगर इंदौर में ही कहीं अच्छा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई वांट टू लुक फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब जहाँ बेस्ट हो मिले। तो वी जस्ट विश कि आपको बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले और आप ऐसे ही हमारे इंदौर शहर का नाम रोशन करें, जैसे इंदौर ने स्वच्छता में पंच लगाया है, वैसे ही टैलेंट में भी इंदौर में भरमार है और उन्हीं में से एक है ध्रुव धाकड़, जिसको शो करते हैं कि डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। आज हमारे साथ थे ध्रुव, जिन्होंने इंस्पायर किया ऐसे बच्चों को जो इस एज में कुछ करना चाहते हैं और बच्चे बनकर ही नहीं रहना चाहते, वो अपने ड्रीम्स को जीना चाहते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर ध्रुव, थैंक यू सो मच। थैंक यू।